अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हिना बिलाल शो पे अपने ससुराल में, जो मेरा गांव है, उधर आई हुई हूँ। ये आप देख सकते हैं, मनक्याला के पास है ये गांव। ये आप देख सकते हैं, इधर हम लोग की, मेरे ससुराल की अपनी ज़मीन है, तो उन्होंने इधर जो है वो अपना ही कब्रिस्तान बनाया हुआ है। दो कब्रें मेरे हस्बैंड के ताया की हैं, एक ताया की और एक दूसरे ताया की हैं। और घास क्यों जलाया पता नहीं, ये पता नहीं क्यों घास जलाया हुआ है उन्होंने ये, लेकिन जान के अभी जलाया है। अभी जलाया और जान की जलाया, मेरे सामने जलाया है। तो दिखाओ। और ये फ्रूट गार्डन, ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रूट गार्डन है। इसके अंदर अनार भी लगे हुए हैं, इसके अंदर अमरूद भी लगे हुए हैं, इसके अंदर आम भी लगे हुए हैं। इधर उन लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। ये मुझे मेरे हस्बैंड बताए थे कि ये जो है फैमिली इंग्लैंड रहती है और उन्होंने पीछे अपना ये घर बनाया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी प्यारा। और वहाँ पे गाय भी रखी हुई हैं लोगों ने। और ये बेला है, ये इसका भी यूट्यूब चैनल है। आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है? कुक विद बेला। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दूर तक इतनी तेज़ हवा चल रही है और इतना खूबसूरत मौसम है और सारे खेल रहे हैं। तो मैं ईद का सेकंड डे करने जो है हम लोग, मैं अपने ससुराल के साथ आई हुई हूँ उनके गांव। सारे हम लोगों ने अभी खाना बनाया था। ये नीचे बैठक है, ये इनका नीचे सहन है सारा, काफ़ी बरामदा है। और उस साइड पे ट्री के जो पीछे है बैक साइड बैठक है अंदर सारी। और एक और घर यहाँ पे बना रहे हैं ये लोग, और उधर भी कब्रिस्तान है और ये भी घर है। इधर आमने सामने घर है और काफ़ी बड़ी सी हवेली है ये, और पीछे इनका ये फ्रूट गार्डन है और ये सारी इनकी ज़मीन है। बच्चे सही खुश हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है, अपनी एक खुशबू है। और गांव की तो आपको पता है कितनी सारी साफ सुथरी होती है, अपनी बात होती है इसकी, हवा की भी कोई पोल्यूशन नहीं होती है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो हिना बिलाल शो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।